ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए मध्यस्थता पैनल को 15 अगस्त तक का समय दे दिया है। सीजेआई रंजन गोगोई, जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वो पैनल को और समय देने का फैसला करते हैं। कोर्ट ने इससे पहले मध्यस्थता के जरिए मामले को सुलझाने की पहल की थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई गोगोई ने कहा कि हमें मध्यस्थता कमेटी की रिपोर्ट मिली है और हमने इसे पढ़ा है। अभी समझौते की प्रक्रिया जारी है। हम रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्ला की रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट में सकारात्मक विकास की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। वहीं कुछ हिंदू पक्षकारों ने मध्यस्थता की प्रक्रिया पर आपत्ति भी जाहिर की है, जबकि मुस्लिम पक्षकार इसके समर्थन में थे। वहीं आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने 8 मार्च के अपने फैसले में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद के निपटारे के लिए 3 मध्यस्थ नियुक्त किए थे। समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एफएम कलीफुल्ला के अलावा आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू शामिल हैं।